करेंगे तो भगवान की कृपा ही उसको नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? तो धूल झाड़ रहे हैं और साफ कर रहे हैं घुमाना है तो हमें भगवान के धाम में आना चाहिए। भगवान के धाम के जो भगवान के चरणों की धूल है उसमें लोटपोट करना चाहिए। हम लोग तो बाहर में अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक पाउडर अलग अलग चीज से हमारे बॉडी को डेकोरेट करते हैं, तो उसमें हमारा सौंदर्य का वर्धन नहीं होता है। उसमें हमारे देहात्म बुद्धि जो होता है वो और वर्धित होता है। मैं शरीर हूँ इस चेतना, बाल अच्छे से सजाना, शरीर में अलग अलग प्रकार के पाउडर लगाना, तो उसमें हमारे भौतिक चेतना है और वर्धित होता है। तो लेकिन जब हम लोग धाम में आते हैं और भगवान के चरणों के धूल हमारे शरीर में लगाते हैं तब हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। हमारे जो भौतिक चेतना है, हमारे हृदय में जो बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है, देहात्म बुद्धि है, वो चला जाता है। और इस प्रकार हमें भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होता है। तो जब अक्रूर जी जब वृंदावन आए थे तो वृंदावन प्रवेश करते हुए उन्होंने वृंदावन के धूल में भगवान के चरण की चिन्ह उनको दर्शन हुआ। भगवान के चरण के चिन्ह आगे आगे जा रहा है, उसमें बहुत पवित्र चिन्ह है और उनके आगे आगे गायों की पैर की चिन्ह है। तो अक्रूर को समझ में आ गया कि इसी रास्ते में भगवान गोचरण करते हुए गोचरण के बाद वापस आए हैं। तो तो अक्रूर जी कंस के मंत्री थे, कंस के अधीन काम करते थे। तो उन्होंने सोचा कि कंस के अधीन काम करते हुए मैंने बहुत पाप संचय किया है, मेरे जीवन के बहुत कीमती समय मैंने बर्बाद किया है, आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कंस मेरे को वृंदावन भेज रहा है और उधर वृंदावन में हमारा प्रभु का दर्शन होगा। तो मेरे जीवन सफल हुआ कि आज मैं धाम में आया हूं और भगवान के चरणों का चिन्ह मेरे दर्शन हो रहा है। तब अक्रूर जी ने अपने रथ से उतर कर अपने वस्त्र को निकाल के उस रज में उन्होंने लोटपोट किया। हरि बोल। तो धाम में आके धाम के धूली में लोटपोट करना चाहिए। और तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगा, धाम की कृपा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें धाम के धूली को सम्मान करना सीखना पड़ेगा। थैंक यू। तो हम लोग उसी स्थान पे बैठे हुए हैं जहां पर भगवान नरसिंह देव आए थे। हरि बोल। कौन से युग में? सत्य युग में। तो सत्य युग में भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद इस स्थान पर आए थे और इस स्थान पर आकर नरसिंह देव भगवान विश्राम किए थे। तो सत्य युग में नरसिंह देव आए थे, त्रेता युग में कौन आए थे? रामचंद्र भगवान आए थे। कली युग में कौन आए? नहीं, दापर युग में कौन आए थे? कृष्ण भगवान। केवल कली युग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आए हैं। तो तीन युग में भगवान इस स्थान पर आए हैं। तो सोचिए कितने महत्वपूर्ण
स्थान है। तो आप स्थान को देख के ही समझ सकते हैं कि कितना इसका सौंदर्य है और इसका आध्यात्मिक महत्व है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो उसी प्राचीन स्थान है जिधर हम लोग बैठे हुए हैं। तो अमृत सिंधु जगन्नाथ कुआं है, अमृत सिंधु जगन्नाथ कुआं अटेंडेंस लिया आपने, आप ले लीजिए, आप खुद ले लीजिए, जो नहीं है एब्सेंट लगा दीजिए। अमृत सिंधु जगन्नाथ कुआं एक क्लास में था, वो प्रेम भक्ति प्रभु दिया इसलिए। तो और कौन कौन नहीं है बताइएगा, हमें पीछे लोग हैं। तो हम लोग थोड़ा सा नरसिंह लीला सुनेंगे, भगवान नरसिंह देव के बारे में और प्रहलाद मनोज के बारे में सुनेंगे। उसके बाद हम लोग रामघाट जाएंगे, रामघाट से फिर महाकाल का दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। तो जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु अलग अलग प्रकार से उनको उनके पास शरणागत होने के लिए, उनका बात मानने के लिए वो उनको फोर्स कर रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के जो अलग अलग प्रकार के जो प्रपोजल हैं, अलग अलग प्रकार के जो बर्ताव हैं, वो उनसे वो नहीं सुन रहे थे। तो तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अलग अलग प्रकार से अत्याचार किया, पर्वत के ऊपर से फेंक दिया, विषपान करा दिया, सांप के जंजीर में डाल दिया और समुन्द्र में फेंक दिया, हाथी के पैर के नीचे कुचलने के लिए प्रयास किया। तो हिरण्यकशिपु के पुत्र था प्रहलाद, लेकिन क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनका एक ही गलती था, क्या गलती था, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे बहुत बार कोई अगर बच्चे भक्त बन जाते हैं तो माता पिता या उनके गार्जियन लोग वो खुश नहीं होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बेटा प्रहलाद हो। तो और इस प्रकार भक्ति करने नहीं देना चाहते थे। तो ये हिरण्यकशिपु के जैसे मेंटेलिटी है, जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद भक्ति किया, अच्छे मार्ग में जा रहे थे, लेकिन उनको सहन नहीं हुआ। तो चाहते थे कि वो हिरण्यकशिपु को भगवान के रूप में माने। तो इस प्रकार प्रहलाद को अलग अलग प्रकार से उनको उनको मारने के लिए प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, भगवान की शरण ले रहे थे। तो प्रहलाद महाराज को विश्वास था कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, भगवान जरूर उनको रक्षा करेंगे, और इसलिए प्रहलाद महाराज भाई भी नहीं थे। तो प्रहलाद महाराज को अलग अलग प्रकार से उनको कष्ट दिया, मृत्यु का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रहलाद को कभी भय नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद महाराज का विश्वास था कि भगवान जरूर रक्षा करेंगे। तो शरणागति के छह प्रकार के शरणागति हैं। तो हम लोग कोलकाता में धाम यात्रा के प्रिपरेशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धाम यात्रा के एक मुख्य उद्देश्य क्या है, शरणागत होने का
होने के लिए प्रयास करना। धाम हम लोग इसलिए आए हैं भगवान की शरण लेने के लिए। तो अभी शरण, शरणागति के 6 लक्षण हैं, उसमें से एक 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 प्रकार के शरणागति है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। तो और इसलिए प्रहलाद महाराज का विश्वास था कि कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। तो और इसलिए जो लोग फोन यूज कर रहे हैं ना क्लास के समय, फोन यूज कर रहे हैं, फोन छोड़ दीजिए। तो तब हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, अलग अलग प्रकार से मारने के लिए प्रयास, पूरे पृथ्वी का स्वामी बन गए थे, सभी देवता लोग हिरण्यकश्यप के अधीन काम कर रहा था। देवता इंद्र हिरण्यकश्यप के जो गार्डन था उसमें घास काट रहे थे। तो ऐसे अवस्था था, तो सभी डिपार्टमेंट जो है पृथ्वी के अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग देवता देखते हैं, अभी सब हिरण्यकश्यप के निर्देश के अनुसार चल रहा था, ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बाद भी हिरण्यकश्यप, प्रहलाद छोटा एक बच्चा था, उसका बाल भी बका नहीं कर पाया। तो देखिए भगवान की भक्ति का कितना शक्ति है, भगवान की भक्ति का कितना शक्ति है। तो हिरण्यकश्यप को बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा हो गया, बोले प्रहलाद तुमको कहां से शक्ति मिलता है। प्रहलाद ने बोला कि आपको जहां से मिलता है हमें भी वहां से ही मिल रहा है। और गुस्सा भर गया। बोले तुम बोलना चाहते हो कि हमें, हमारा शक्ति भी उधर से ही आ रहा है, इतना तुम्हारा हिम्मत। तो तब हिरण्यकश्यप ने कहा है, कहां रहते है तुम्हारा विष्णु बताओ। तो तब भगवान, सॉरी प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कोई भी स्थान भगवान के नियंत्रण के बाहर नहीं है। तो बोले कहां तुम्हारा विष्णु, क्या इस पिलर में भी है। बोले हाँ क्यों नहीं, इधर भी। तो तब हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होके अपना गदा लेकर उस पिलर जो स्तंभ था उसको बहुत जोर से प्रहार किया, उसको तोड़ दिया और फिर उस स्तंभ से भगवान श्री नरसिंह देव उग्र रूप में बहुत क्रोध व्यक्त करते हुए, विशाल गर्जन करते हुए उस स्तंभ से बाहर निकल गए। नरसिंह देव भगवान की बहुत आवाज करते हुए भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। तो उस समय ऐसे ही संध्या का समय था, ना दिन ना रात। तो जैसे हिरण्यकश्यप को वचन दिए थे ब्रह्मा जी, ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे, ना देवता के द्वारा ना मनुष्य के द्वारा ना पशु के द्वारा, अस्त्र से ना शस्त्र से। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के ब्रह्मा जी के सारे वचनों को सत्य प्रमाण करते हुए भगवान एक अद्भुत रूप से प्रकट हुए। तो भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है, मैं किताब लाया था लेकिन हमारे दीपदास को
छोड़ दिया गाड़ी में, तो मैं प्रयास करो अगर याद आता है श्लोक। सत्यं विधातुं निजभृत्तवासितं व्यक्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अध्वासितं अध्वासितं स्तंभे सभायं न मृगं न मानुषं। तो इस प्रकार श्लोक है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्तवासितम, आपने जो भृत्त हैं, आपने जो भक्त हैं, कौन? प्रहलाद। तो सत्यम विधातुम निज भृत्तवासितम, आपने एक भृत्त जो है प्रहलाद, उनके वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्तवासितम व्याप्तिम च भूतेषु, जो व्याप्त है अखिलेषु चात्मनः, पूरे अखिल ब्रह्मांड में, सभी जीवों के हृदय में, सभी अनुपरमाणु में, जो परमात्मा के रूप में विराजमान भगवान है, वो अपने भक्तों की वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए। तो हिरण्यकशिपु को पूछा कि आपका विष्णु कहां पर है? तो बोला कि सब जगह में, इस पिलर में है, हाँ इधर भी है। तो भगवान जनरली सभी अनुपरमाणु के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन परमात्मा भगवान के पूर्ण प्रकाश नहीं है। भगवान के पूर्ण प्रकाश क्या है? सविशेष साकार रूप, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो भगवान साकार रूप में, उनके धाम में अलग अलग अवतार होता है। कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण के अनेक अवतार है, राम, नरसिंह, वराह, ये भगवान की साकार रूप है। उनकी अंश प्रकाश है परमात्मा, जो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। तो परमात्मा जो है भगवान से प्रकाश होता है, भगवान सभी परमात्मा के स्रोत हैं। तो साधारणतः परमात्मा के रूप में भगवान सभी अनुपरमाणु के रूप अंदर विराजमान है, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा इधर उनकी भगवान विराजमान है, तो इसलिए भगवत स्वरूप में, साकार रूप में भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्तवासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, उसके बाद अध्वासितम अद्भुत रूप उद्भावन। तो अध्वासित अद्भुत रूपम उद्भावन, इस प्रकार अद्भुत रूप जिसका कोई कभी भी दर्शन नहीं किया, ऐसे अद्भुत रूप लेकर भगवान स्तंभे सभायम, उस सभा में, उस महल में स्तंभ से प्रकट हो गए। ना मृगम ना मानुषम, ना सिंह है ना मनुष्य है, आधा सिंह आधा मनुष्य, नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान गीता में बोलते हैं, गीता में क्या बोलते हैं? कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र ये घोषणा करो कि मेरा भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं, भगवान उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, भगवान उनको रक्षा करते हैं। तो ये भगवान की वचन है, कुंते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो इसलिए भक्त अपने हृदय में ये जो भाव है, ये सत्य को अपने हृदय में पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? कौन सा सत्य को अपने हृदय में पालन करते हैं? कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे।
तो इसलिए हम लोग हमारे जीवन में जब भक्ति करते हैं तो अलग अलग कठिन परिस्थितियां चैलेंजेस हमारे सामने उपस्थित होता है या हो सकता है। ये भौतिक जगत हर प्रकार से कठिनाई से भरा हुआ है, संकट से भरी हुई है। पदम पदम जत विपदम ना तेषाम, अलग अलग प्रकार से विपद आ सकता है। इस भौतिक जगत उसी प्रकार बना हुआ है, हमारे पिछले जीवन के कर्मों का फल भी है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिताप क्लेश है, लेकिन इस सभी परिस्थितियों में अगर हम लोग भगवान की शरण लेंगे तो भगवान अवश्य हमारा रक्षा करेंगे। तो इसलिए एक भक्तों को अपने हृदय में इस शरणागति के जो ये जो प्रिंसिपल है, ये नीति है, अपने हृदय में पालन करना चाहिए कि भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। और जब इस प्रकार आप अपने हृदय में अपने इस शरणागति के इस जो नीति है, इस तत्व को अपने हृदय में पालन करेंगे, तब भगवान आपको आपके जीवन के हर कठिन परिस्थिति में आपको रक्षा करेंगे। जब आप पालन करेंगे तो शिला प्रभुपाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो लोग अलग अलग प्रकार से छुपने की प्रयास कर रहे थे। शिला प्रभुपाद जी कोलकाता में थे उस समय, और कोलकाता में ब्रिटिश लोग रहते थे, और ब्रिटिश को आक्रमण करने के लिए कोलकाता में भी, भारत में भी बम विस्फोट हो रहा था। और उस समय शिला प्रभुपाद भगवान के लिए बहुत सुंदर पूरी बना रहे थे और भगवान को भोग लगा रहे थे और दिन में बाहर जाके हरिनाम कर रहे थे। तो लोग बोल रहे थे कि स्वामी जी आप बाहर मत जाइए, बम गिर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर बम अगर मृत्यु अगर मृत्यु अगर कृष्ण के रूप में आता है, मृत्यु तो किसी भी समय हो सकता है, और भक्तों के लिए मृत्यु के समय कृष्ण उपस्थित होते हैं। भक्तों के लिए मृत्यु के समय कृष्ण आते हैं, तो इसलिए भक्त मृत्यु से भयभीत नहीं होता है और भगवान उनके भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। हमारे पापा ना जब कोरोना हुआ था तो उस समय उनका 40% लंग उनको इफेक्ट हो गया था, उनको उम्र 80 से ज़्यादा है, तो उनका मुंह से और नाक से दोनों से ऑक्सीजन चल रहा था। और पहले उधर हबीबपुर के ऐसे पास एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, और फिर अमृत सिंह को विजय मूर्ति को, तो उधर से उनको कोलकाता में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। और उस समय कोरोना का एकदम फुल फ्लेज्ड कोरोना चल रहा था, और ऐसे अवस्था में साधारणतः कोई जीवित नहीं रहता है। तो उस समय हम लोग भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे थे, आप में से भी बहुत सारे भक्त लोग उनके लिए प्रार्थना किए थे, जप कर रहे थे, और भगवान नरसिंह देव को पूजा दिया गया था, गुरु महाराज को इन्फॉर्म किया गया था, गुरु महाराज ने आशीर्वाद किया था, और वो भी उस हॉस्पिटल में रहे थे जहाँ पर मुंह से नाक मुंह दोनों से ऑक्सीजन चल रहा है। तो वो हर दिन 16 माला जप कर रहे थे,
समझ रहे हैं, हर दिन 16 माला जप कर रहे थे और ऑक्सीजन लेवल 80 70 80 70 है, और पीछे बड़ा बड़ा मशीन चला आवाज कर रहा है, लाइट जल रही, कोई उस समय कोई ऐसे हार्ट अटैक होके मर जाएगा डर के मारे। तो हम लोग हर दिन जाते थे कोविड क्या कहते हैं उसको, कोविड कोविड शील्ड, कोविड वार्ड, उसमें डेली 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर सुनाते थे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का, प्रभुपाद का, भगवान के अलग अलग प्रकार के हैं आशीर्वाद, भगवान के माला, भगवान के फूल, भगवान का कपड़े उनको देते थे, भगवान का दर्शन भेजते थे। तो मैं देखा कैसे भगवान उनको रक्षा किया, भगवान उनको फिर से मौका दिया कि और अच्छे से भक्ति करें जितना दिन है। अभी हमें पता नहीं, प्रभु को पता है कितना वो यूज कर रहे हैं, उनको जो मौका मिला है, लेकिन ये बात एकदम सही है कि भगवान ने उनको रक्षा किया है, भगवान नरसिंहदेव उनको फिर से और कुछ दिन इस धरती में रह के भक्ति को और तीव्र करने के लिए मौका दिया है। तो भगवान चूटी में चूटी है वहां पर लाल। तो इस प्रकार अगर आप भगवान की शरण लेंगे तो भगवान अलग अलग प्रकार से आपको आपको आप आपको रक्षा करेंगे, आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो इसलिए भक्ति में आप अकेले नहीं हैं, भक्ति में आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है, भक्त लोग आपके साथ है, प्रभुपाद आपके साथ है। एक बार एक भक्त था जिनको हर दिन उसको घोस्ट अटैक करता था, और उसका पिछले जीवन का कुछ पाप था, उस जामदूत उसको पकड़ने के लिए आता था। तो भक्ति में आया तो बोलते थे हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें भक्ति करना है, तो भाग जाता था, फिर वापस आता था, बोलता हमें छोड़ दो, हमें भक्ति करना है। तो जब ये भक्ति करना है बोलता था तो जमदूत लोग भाग जाता था, लेकिन उनके पिछले जीवन के पाप था। तो वो जो जमदूत और भूत बार बार आके उसको उसको क्या करता था, डिस्टर्ब करता था कि उसको प्राण वायु उसका निकाल ले उसके शरीर से। तो फिर एक बार क्या हुआ, जमदूत लोग ऐसे आ गए उसको छोड़ ही नहीं रहे। तो तब उन्होंने भगवान को पुकारा, तो देखा फिर भी जमदूत लोग नहीं जा रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद को पुकारा, और जब ही प्रभुपाद को पुकारा और ये सारे जमदूत लोग तुरंत भाग गया। अरे गो, कुछ दिन पहले एक आदमी तिरुपति मंदिर में आया था, आके रो रहा है, प्रभु जी हमें गीता दीजिए, हमें गीता दीजिए। बोले आप रो क्यों रहे हैं, बताइए क्या हुआ। बोले ऐसा हुआ था कि मेरा मृत्यु हो गया था, और मेरा मृत्यु हो गया था तो मृत्यु के समय जमदूत लोग हमें पकड़ के लेके गया। तो जमदूत लोग पकड़ के लेके गया और फिर जमराज के पास लेके गया। तो जमराज के पास पकड़ के लेके गया तो जमराज ने कहा कि कौन है ये। बोला अमुक अमुक अमुक, इसने ये किया ये किया। बोला अरे तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ के लाए हो, ऐसा 2-3-5 टाइम है। तो देखो इसी नाम पे और एक आदमी है पास में, पास के गांव में, उसको पकड़ के लाना, इसको छोड़ दो।
तो तब तक इस आदमी को क्या किया था, उसको क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है बोल के लेके जा रहे थे, उसको सर पे ऊपर कपड़ा दे दिया, तो फिर जमदूत लोग आके उसको छोड़ दिया। तब तक वो क्या है, जा रहे हैं शमशान घाट में। तो जब उसको छोड़ने के लिए आया था, छोड़ रहा था जमदूत लोग, तब कहा कि इस बार के लिए तुमको छोड़ दिया, अगला बार से आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो फिर से पकड़ के लेके जाएंगे। और वो तुम्हारे घर के सामने जो हरे कृष्णा मंदिर है ना, उधर स्वामी प्रभुपाद जी के गीता है, और वो गीता जाके पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो तुमको छोड़ देंगे। तो उसने फिर बोल उसको छोड़ के चला गया, और फिर उसको बिठा के लेके जा रहे थे, चिता में बिठा के लेके जा रहे थे, तो वो उठ गया और सब लोग भूत 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 बोल के भाग गया। फिर उसने वापस आया घर में, और घर में आके सारे घटना बताया। तो तब उसने सब गांव वालों को लेकर तिरुपति इस्कॉन मंदिर में आया, और उसने गीता पढ़ा और भक्त बन गया। तो इस प्रकार जो भागवत गीता का प्रचार केवल इस्कॉन के भक्त लोग नहीं कर रहे हैं, अभी जमदूत लोग भी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग विचार करिए, भगवत गीता पढ़ना है, हरि नाम करना है ना, जमदूतों का पिटाई खाना है। तो इसके धाम में जो लोग आए हैं, जो लोग अभी भी जप नहीं कर रहे हैं, तो आपसे जप करना प्रारंभ करिए, नहीं तो जमदूत पकड़ेगा और पिटाई होगा। लेकिन अगर आप लोग हरि नाम करेंगे, आनंद बोलो हरी 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 बे भवपारी, तो अगर हम लोग हरि नाम करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो भगवान हमें हर विपद से रक्षा करेंगे। जाए सकल विपद भक्ति विनोद बोलें जखन नाम गाय। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान की शरण लिए, और भगवान उनके भक्तों की वचन को रक्षा करने के लिए, और उनके जो वचन है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, तो भगवान उनको रक्षा किए। तो इस प्रकार भगवान ने पन लिया है, प्रतिज्ञा लिया है कि कैसे वो उनके भक्तों को रक्षा करते हैं। भगवान अपने वचन भी रख नहीं पाते हैं, लेकिन उनके भक्तों को रक्षा करने में कभी चूकते नहीं। इसलिए भगवान का नाम है अच्युत, जो कभी भी अपने भक्तों को रक्षा करने में व्यर्थ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए भगवान इस पृथ्वी में प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नहीं आए थे, प्रहलाद को रक्षा करने के लिए भगवान आए थे। और फिर प्रहलाद को रक्षा करने के बाद, हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद भगवान इस स्थान पर आए थे। ऐसे शास्त्र में और भी कुछ स्थानों का उल्लेख है, जैसे नवद्वीप धाम में एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है नरसिंहपल्ली, जहां पर वहां पर भी भगवान नरसिंह देव आए थे। अलग अलग कल्प में अलग अलग स्थान पर लीला होता है, तो उस स्थान पे भी भगवान नरसिंह देव उधर विश्राम किए थे, और उधर एक नदी है जहां पर भगवान अपना हाथ धोए थे। पिछले बार हम लोग जब गेट टुगेदर हुआ था, उधर हम लोग गए थे। इस बार हम लोग का जो एनुअल गेट टुगेदर होता है, इस बार हम लोग और एक स्पेशल जगह में होगा, हरी बोल। और इस बार भी हम लोग कुछ नए स्थान का दर्शन करेंगे, हरी बोल। तो इस बार जो हमारा एनुअल गेट टुगेदर है, वो होगा 31 नवंबर और 1 जनवरी में, हरी बोल। 31 दिसंबर और 1 जनवरी, तो आपका नया साल का शुरुआत कर सकते हैं भक्तों के साथ, एक साथ इस न्यू ईयर गेट टुगेदर का गेट टुगेदर मनाकर। तो हम लोग इस बार का गेट टुगेदर होगा हबीबपुर में, हरी बोल। तो उस स्थान के आसपास बहुत सारे स्पेशल जगह हैं, उधर पास में
अंबिका कालना है जहाँ पर गौड़ निताय महाप्रभु उधर आए थे, और गौड़ निताय महाप्रभु के समय के विग्रह हैं, बहुत सुंदर। गौरीदास पंडित के घर हैं, गंगा है, अद्वैत आचार्य प्रभु के सिपाट हैं जहाँ पर महाप्रभु को उन्होंने बुलाया था, तो अद्वैत आचार्य प्रभु का सिपाट है, बहुत सुंदर। और फिर हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई किया गया था, और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को रक्षा किए थे वो स्थान है। भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव स्थान है। इस प्रकार 4-5 जगह है, तो जो 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 स्थान हम लोग दर्शन करेंगे, और बहुत सारे सीनियर भक्तों का हमें संग मिलेगा। तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट जब हुए तो उनका क्रोध कोई, उनके जो गुस्सा है उनके क्रोध कोई कम नहीं कर पाए थे, कोई कम नहीं कर पा रहे थे। तो तब ब्रह्मा जी प्रहलाद को बुलाया कि प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए, अभी तुम ही भगवान के क्रोध को कम कर सकते हो। तो लक्ष्मी देवी भी भगवान के क्रोध को कम नहीं कर पा रहे थे, तो वो सोच बोलने लगी कि ऐसे ऐसे जो भयंकर रूप तो मैं कभी नहीं देखा, मैं नहीं जा पाऊं। तब प्रहलाद महाराज आए, और प्रहलाद महाराज इतने सुंदर प्रार्थना किए, तो और उनके प्रार्थना से भगवान नरसिंह देव की क्रोध प्रशमित हो गया। और फिर प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना किए, तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है जिधर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय प्रभु भगवान नरसिंह देव, मेरा जन्म हुआ था असुर कुल में, और असुर कुल में जन्म होने के कारण इस रजो तमो गुण के द्वारा, आसुरिक गुणों के द्वारा प्रभावित होकर मैं भी नरक की ओर जा रहा था, लेकिन आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि के कृपा से मैं आपका पार्षद बनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रिय भक्त आपके पार्षद नारद मुनि की कृपा से आज हमें आपका साक्षात दर्शन हुआ, कैसे मैं उनकी सेवा परित्याग कर सकता हूं, तब भृत्य सेवा, कैसे मैं आपके जो शुद्ध भक्त हैं नारद मुनि जो मेरे गुरु महाराज हैं उनकी सेवा छोड़ सकता हूं, तो कृपया हमें उनकी सेवा प्रदान करिए। तो जब प्रहलाद महाराज को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, उन्होंने किनकी सेवा प्रार्थना किया, उनके गुरु नारद मुनि के सेवा प्रार्थना किया। तो ये हमारे आचार्यों की मूड है, ये प्रहलाद महाराज के मूड है, यही श्रील प्रभुपाद जी का मूड है। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादा न गति कुतोपि, जिनके कृपा से भगवान की कृपा होता है, और जिनके कृपा के बिना और कोई गति नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम लोग भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनके उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, उनके उदाहरण को हमारे जीवन में अपनाने की प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कैसे हमें हमारे गुरुदेव और पूर्वतन आचार्य को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी उनके पूरे जीवन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरुदेव हैं और पूर्वतन आचार्य को संतुष्ट करने के लिए प्रयास किया है। और हम लोग देखते हैं किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी उनके आध्यात्मिक कार्यों में सफल हुए हैं। कैसे सफल हुआ, प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, कैसे सफल हुए, ये आध्यात्मिक जीवन के सफलता का सीक्रेट है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का सीक्रेट क्या है, गुरु और पूर्वतन आचार्य को संतुष्ट करो। तो इस प्रकार भगवान नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हो जाते प्रहलाद महाराज के ऊपर। तो हम लोग इस प्रकार, तो प्रहलाद महाराज का भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन उन्हें भगवान की सेवा नहीं मांगा, उन्होंने
उनके गुरु की सेवा को प्रार्थना किया। उसी प्रकार हमें भी, यही हमारे परंपरा का मूड है, हमें भी श्रील प्रभुपाद और पूर्वतन आचार्य या हमारे गुरु महाराज लोगों की सेवा, उनके आदेशों को पालन, उनके मिशन में सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही सर्वोत्तम भक्ति है, यही भक्ति के पराकाष्ठा है। तो हमें इस स्थान पर प्रार्थना करना चाहिए भगवान नरसिंहदेव से, प्रहलाद महाराज से, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया, उसी प्रकार हमें भी प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव से प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग भी श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुजायीगण हैं, उनके शिष्यगण हैं और पूर्वतन आचार्यगण हैं, उनको हम लोग उनकी सेवा कर पाए, उनके चरण कमलों के आश्रय में हम लोग रह सके और इस प्रकार हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाए। और नरसिंहदेव से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं, उनको दूर कर दे। श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग कीर्तन करते हुए इसी घाट से हम लोग राम घाट जाएंगे और राम घाट से महाकाल मंदिर में जाएंगे। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।